जी, ये हमारे पास एक पुरानी प्लास्टिक की हमारे पास ट्रे थी, इसको अब हम जो है ना रेनोवेट करने लगे हैं डिको पॉट से। इसके ऊपर हम डिको पॉट अपना प्रोजेक्ट करेंगे। ये हमने ट्रे को पहले अच्छे तरीके से हमने उसको साफ़ कर लेना, किसी कपड़े से किसी भी चीज़ से आप उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें कि कोई डस्ट कोई कुछ भी ना उस पर रहे। साफ़ करने के बाद जब हमने ये जो ग्लू है ना, डिको पॉच ग्लू हमारी होती है, ये हमने इसके ऊपर सारी स्प्रेड कर देनी है। ये हमने नैपकिन ले लिया है, इसकी हमने ये दो सरफेस होती हैं, ठीक है, इसकी हमने एक सरफेस आराम आराम से हमने ये उतार लेनी है। इसको उतार के फिर हम इसको उसके ऊपर लगाएंगे। ये अब हमने जो है ना इसके ऊपर लगा दिया है, ये हमने इसके पीछे से करके इसको हमने अब इसको किनारों किनारों सारा इसको हमने पेस्ट करना है। इसको ग्लू लगा के साथ साथ ग्लू लगाएंगे, हम इनके कॉर्नर्स भी जो है ना इनको जोड़ लेंगे। ध्यान से आपने बहुत नाजुक ही होता है पेपर। ये अब जो इसके बाहर की तरफ नीचे की तरफ ट्रे के आया है, ये हम इसको नीचे की साइड पे ग्लू लगा के इसको हम जोड़ देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता इसको सारा टर्न कर लें बहुत एहतियात से। अभी हमारी जो है ना ये ड्राई हो गया है अच्छे तरीके से। अब इसके ऊपर जो फाइनल कोट है ना वो हमारा वार्निश का होगा, इसका हम फाइनल कोट वार्निश का करेंगे। ये अभी ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, इसे ये है कि वार्निश एंड में जो वार्निश कोट होगा ना, इससे एक तो ये हमारा सेफ हो जाएगा, सेकेंडली इसमें एक शाइन आ जाएगी, और ये जो नीचे हमने पेपर लगाया है ये हमारा सेफ हो जाएगा बिल्कुल। इसमें दोबारा फटने का, आप इसको वॉश भी कर सकते हैं, इसमें दोबारा फटने का जो है ना वो नहीं रहेगा कि ये फट नहीं सकेगा दोबारा। ये अब हमारा वार्निश का सारा कोट हो गया है, अब इसको ड्राई करने के लिए हमने रख दिया है। ड्राई होने के बाद आप इसको यूज़ करना या डेकोरेट करना। हमारी वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट लाजमी करिएगा। Thank you so much.